नोकिया के अब जो नए मॉडल आए हैं उनकी चार्टिंग समस्या कैसे सॉल्व करनी है। जैसे मॉडल नंबर नोकिया 100 नंबर, 101, 103, 105, 108, 110, 111, 200, 206, 225 मॉडल नंबर नोकिया के हैं। इतने मॉडल नंबर में चार्जिंग का जो सेक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है, जो पहले के जो मॉडल हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, जैसे चार्जिंग कनेक्टर ये है, चार्जिंग मैंने यहाँ पे इसमें चार्जर लगाया, चार्जर लगा दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या है, ये 5 पिन का कनेक्टर होता है, RD3500 टाइप का, RD3500 जो कि एंड्रॉयड वगैरह सभी में आज के डेट में सब लगा आ रहा है, वो चार्जिंग कनेक्टर है ये। तो उसमें ऐसे क्या होगा, एक पिन जो होगी वो GND होगी, मतलब माइनस नेगेटिव होगी, और जो पिने होंगी ये RXTX वगैरह होती हैं, तो उससे मतलब नहीं, हमें चार्जिंग पे ध्यान देना है। तो एक पॉइंट इसकी प्लस होगी, प्लस की सप्लाई कहाँ पे जाती है, एक MOSFET पे, जिसका एक ही जो ऊपर वाला सिरा होता है ये क्या कहलाता है, ड्रेन, ड्रेन। इसके बाद ये वाला जो सिरा है सोर्स, और ये वाला गेट, और जो यही सिरा होता है ऊपर वाला जो ड्रेन है वही, वो वाला भी ये ड्रेन ही होता है, इसको एस, इसको जी, इसको डी, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो यहाँ से सप्लाई जब चार्जर लगाएंगे तो सप्लाई सबसे पहले कहाँ जाएगी, इसके सोर्स पे, मॉसफेट के। तो 3 पिन का मॉसफेट लगा होता है PCB में। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे जाएगी, यहाँ से आउट होगी, ड्रेन से, ड्रेन से आउट होगी, सप्लाई पहुँचेगी यहाँ पे, जैसे R22 रजिस्टर लगा होता था यहाँ पे, R15 या कोई भी कोडिंग दी गई होगी यहाँ पे रजिस्टर की, रजिस्टर की। इसके बाद यहाँ सप्लाई पहुँचती है सीधा बैटरी कनेक्टर पे। ये क्या है हमारा, बैटरी कनेक्टर। तो ये सारा इसका प्लस है, ये BSI है, और ये माइनस है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, 3.7 वोल्ट, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ से वोल्टेज दिया, यहाँ से आउट हो गया, यहाँ पर पहुँच गया, बट हमारी बैटरी की चार्जिंग जो है वो शो नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या होता है, जो इसका जो गेट का सिरा होता है ये वाला, इसके जो कनेक्शन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, CPU या पावर IC से, इसमें तो दोनों इनबिल्ट हैं, इस IC से कनेक्शन होते हैं। ये क्या करता है, करंट को सेंस करती है, जो हमारे जो बैटरी के जो पॉइंट चलते हैं जब चार्जर लगाने पे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो वो सेंस करता है CPU। तो समझ में आ गया कि इसके बीच में अगर आपको फ्यूज लगा है, तो आप पहले वाले हम उसमें बता चुके हैं, फ्यूज हो सकता है, क्वाइल लगी हो सकती है L, डायोड लगा हो सकता है जेनर, और इसके बाद कैपेसिटर। तो 4 कंपोनेंट इसके सर्किट में यहाँ पे लगे हो सकते हैं। इसके बाद सप्लाई कहाँ पे जाएगी, मॉसफेट पे, इसके सोर्स सिरे पे, फिर ड्रेन से आउट होके पहुँचेगी बैटरी कनेक्टर पे, R22 से होते हुए जो गेट सप्लाई आउट होगी वो करंट सेंसिंग CPU या पावर IC पे जाती है। तो ये जो नए मॉडल थे नोकिया के, ये तो उनमें इस टाइप की चार्जिंग थी। तो ये सिंपल है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। अब मॉसफेट क्या है, तो मॉसफेट में 3 सिरे होते हैं। अब इसकी टेस्टिंग क्या है, फ्यूज की टेस्टिंग हम जानते हैं, क्वाइल की भी जानते हैं, डायोड की और कैपेसिटर की भी, और रजिस्टर की भी जानते हैं। अब बात करते हैं मॉसफेट, यहाँ पर नया वर्ड आता है मॉसफेट। मॉसफेट क्या होता है, ये स्विचिंग प्रक्रिया करता है। तो मॉसफेट में 3 सिरे होते हैं, एक ड्रेन, सोर्स और गेट। इसमें क्या होता है, जैसे ये ड्रेन सिरा है, तो ड्रेन टू सोर्स वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 300 से लेके 600 ओम्स के बीच में, ओके। और ड्रेन टू गेट कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये आप अगर ड्रेन पे अगर हमने रेड वाली प्रॉब लगाई है, रेड वाली, और सोर्स पे लगाई है ब्लैक, अगर वैल्यू आती है तो ये हमारा पी चैनल मॉसफेट कहलाता है। मॉसफेट क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर होता है, फील्ड मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये भी एक ट्रांजिस्टर है, और इसका जो होता है, गेट पे अगर बीप आ रही है या सोर्स पे अगर बीप आ रही है तो क्या होगा,
ये शॉर्ट होगा, तो इसको हमें यहाँ पे बदलना है। तो इसमें ज़्यादातर इस सर्किट पे क्या होता है, ये तो खराब होते हैं अगर लगे हैं तो, नहीं तो ये मॉस्फेट ही खराब होता है। ओके, अगर बैटरी स्टोर नहीं हो रही, नोकिया मोबाइल में बैटरी स्टोर नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे वहाँ पे हम, नॉट स्टोर, तो हम ये इस आर वाइस को चेंज कर देंगे, चेंज करेंगे। इससे नहीं आ रही तो फिर हम इस मॉस्फेट को चेंज करेंगे। ओके, तो ये है नए जो मॉडल चल रहे हैं उनको, उनकी चार्जिंग रिपेयर करने की। चार्जर मैंने यहाँ से लगाया, यहाँ पे कितना मिलता है, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट या 7 वोल्ट, यहाँ से मॉस्फेट कम करता है स्विचिंग से। उसका मेन काम होता है स्विचिंग का, मैंने बताया था ट्रांजिस्टर में, वैसे ही वर्क करता है।